हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। प्यारे बच्चों, कुछ लोग हमको जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं, प्यारे बच्चों, मेरा नाम अनिकेत पाठक है। चलिए, आज जो है हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है प्यारे बच्चों। फिजिक्स के पेपर आने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक यूनिट से आपको जो है फर्स्ट चार यूनिट पढ़ने हैं, उधर से चार यूनिट यानी आठ यूनिट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर आने से पहले तैयार करा दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट। और ये वही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, 90% संभावना है प्यारे बच्चों। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अभ्यास कीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो बच्चे जुड़ गए हैं और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो उनको जो है जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और चलिए, आपके कीमती समय का नुकसान न करते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन लगाए गए हैं उन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। और हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ एक एक नंबर के कराए जा रहे हैं अभी प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इस आधार पे आपके बोर्ड पेपर में बहुविकल्पी के ऑप्शन में पूछ लिया जाता है डियर स्टूडेंट। तो वहां पर आपको तुक्का नहीं मारना है डियर स्टूडेंट, आपको लगाना है, लगा के ट्रेल लगाना है कि ये क्वेश्चन आपके सही है या इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, प्रश्नोत्तर एक लिख के उसका जो भी पहला दूसरा तीसरा जो भी सही रहेगा उसको आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। 8 कूलम ऋण आवेश है, यानी Q बराबर, ये रफ वर्क के लिए हम लोग लिख रहे हैं, Q बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 8 कूलम है। आगे आप ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी N पूछ रहा है आपसे। और E बराबर आप जानते हैं 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। प्यारे बच्चों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर N इंटू E। N ज्ञात करना है तो N बराबर क्या आ जाएगा? N बराबर आ जाएगा Q बटे E। Q का मान कितना है प्यारे बच्चों? 8 है। कितना है? 8 है। और E का मान कितना है? 1.6×10⁻¹⁹। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आप काटोगे तो ये ऊपर जीरो लगा दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 80/16 आ जाएगा। और ये 10⁻¹⁹ ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। और ये 16×16, 16×5 80, यानी 5×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या आप देख पा रहे होंगे ये वाला उत्तर किस ऑप्शन में मिल रहा है प्यारे बच्चों? पहले वाले में। तो आप पहला ऑप्शन क्या लगा दोगे? सही का निशान लगा दोगे प्यारे बच्चों, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्या कर रहा है? 1 माइक्रो कूलम तथा 4 माइक्रो कूलम के 2 बराबर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं प्यारे बच्चों, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा प्यारे बच्चों। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है? 1 माइक्रो कूलम आवेश। क्वेश्चन नंबर 2, Q1 बराबर, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और यहाँ पर भी 1 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों? 4 माइक्रो कूलम है। तो प्यारे बच्चों, हम मानते हैं ये Q1 आवेश है, ये क्या है? Q2 है। इसके द्वारा लगने वाले जो बल की दिशा है, Q1 के कारण जो लगने वाले बल हैं वो F1 मान लेते हैं, और Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वो क्या मान लेते हैं? F2 मान लेते हैं। पूछ रहा है F1 और F2 का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, और बीच की दूरी कुछ नहीं दिया तो बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, कूलम के नियम से आप जानते होंगे एफ बराबर, कूलम के नियम से आप जानते होंगे एफ प्रोपोर्शनल होता है, या एफ बराबर 1/4πε₀ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ये F है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो F1 का मान निकालेंगे, अगर F1 का मान निकालना हुआ तो क्या निकालेंगे? इसका 1/4πε₀ Q1 का मान कितना है? 1 है। और Q2 का मान कितना है? 4/r²
प्यारे बच्चों आप इसको हल करोगे तो 1/4πε0 4/r² आ जाएगा। इस प्रकार आप यही चीज अगर F2 निकालोगे प्यारे बच्चों, F2 जो निकालोगे वो भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा 4×1/r², तो इसका भी मान आ जाएगा 1/4πε0 4/r², यानी आप देख पा रहे होंगे F1 और F2 का मान सेम आ रहा है, ये भी वही है, ये भी वही है, यानी जितना F1 बल कार्य कर रहा है उतना F2 भी कार्य कर रहा है, इसलिए जो दोनों का अनुपात होगा वो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यानी अनुपात आपके पास क्या आ जाएगा 1:1। डियर स्टूडेंट अगर ये आपको ना लगाने आए इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आपको एक ट्रिक क्या पकड़ना है प्यारे बच्चों, कि जब बीच की दूरी नहीं बदलेगी, बीच की दूरी वही रहेगा, तो बलों का अनुपात हमेशा 1:1 रहेगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से आप इसको ये लगा लोगे डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोई भी कुचालक पदार्थ हो, हर एक कुचालक पदार्थ की जो परावैद्युतांक होता है वह हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों आप यहां देख सकते हैं 1 से बड़ा न तो ये है, न तो ये है, कौन बड़ा है प्यारे बच्चों, 6 है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपके लिए बहुत एकदम समझ लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसे ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर होता है F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसे हम लोग क्या होते हैं इसे वेक्टर इसे या इसे व्यक्त करते हैं E=2 का होता है F/Q0 होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इसका मात्रक एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश Q0 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति क्या हो गया कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा लोगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कोई आवेश है और जिसका द्रव्यमान इतना है और उस पर आवेश 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और उसको अगर हमको किसी विद्युत क्षेत्र में रखना है उसको संतुलित करने के लिए कितना विद्युत क्षेत्र का मान होना चाहिए, यानी आपको ई पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो कहीं ज़्यादा भटकना नहीं है, एकदम आप समझते रहिएगा प्यारे बच्चों। आपने एक फार्मूला पढ़ा है F=Q×E, एफ बराबर क्या पढ़े हो Q×E, एकांक विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। अब आप जानते हैं जो ये F होता है F किसके बराबर होता है m×g के, तो आप यहाँ रख सकते हैं F के स्थान पे क्या रख दोगे m×g बराबर क्या आ गया Q×E, यही आपको E चाहिए तो Q इधर कर देंगे प्यारे बच्चों, mg/ कितना आ जाएगा Q, तो बराबर E। डियर स्टूडेंट M का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 0.001 मिलीग्राम है, इसको हम लोग केजी में चेंज कर देंगे तो 10^-6 आ जाएगा, जी का मान 9.8 होता है, और क्यू का मान कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6×10^-19 हो गए प्यारे बच्चों। आप बराबर क्या आ गया ई, आप इसे हल करोगे तो 19 से इसको काट दोगे तो यहाँ 13 बचेंगे, ऊपर लेके चले जाओगे -13 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, और उसके बाद इस पॉइंट को काटोगे तो 1 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को काटोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप देखिए ये पॉइंट काटोगे 1 2 3, यानी 1 लिख के कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी अब ऊपर आपके सामने क्या बचा है 98 बचा है, देख लीजिए 98 क्या बचा है प्यारे बच्चों 1×98 बचा है, कितना बचा है प्यारे बच्चों 98, और नीचे क्या बचा है 16×3 बचा है, फिर उसके बाद कितना बचा है प्यारे बच्चों 1000,
एक गुणे कितना बचा है प्यारे बच्चों, 1000 बचा है, और साथ में ये जो पावर -13 है ऊपर चला जाएगा, 6 कटा था तो ऊपर चले जाएंगे, 10^13 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 3 तो कम कर देंगे, ये 10 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ 16 3 48 यानी 98/48, और यहाँ 3 कम हो गए गुणे 10^ कितने आ गए 10, 48 × 96 2 लगभग कुछ आएगा, तो 2। तो प्यारे बच्चों आप ऑप्शन में देखिए कि 2 कौन लगभग दिया गया है, ये देख सकते हैं, तो 2.04 गुणे 10^4, तो 2.04 गुणे 10^10 क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल करोगे और कितना आ जाएगा, 2.04 गुणे 10^10 वोल्ट प्रति मीटर, इतना वैद्युत क्षेत्र रखेंगे का मान होगा तो ये संतुलित अवस्था में होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कूलाम के बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं, कितनी मीटर की दूरी पर रखा गया डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितनी मीटर की दूरी पर है प्यारे बच्चों। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं आपसे, 2 कूलाम के बराबर यानी क्यू बराबर दे दिया गया 2 कूलाम, कितना दे दिया गया 2 कूलाम। चलिए प्यारे बच्चों आगे क्या कर रहे हैं, विपरीत आवेश है यानी बराबर और विपरीत आवेश किसको व्यक्त करते हैं, वैद्युत विधोरों के व्यक्त करते हैं, अब बीच की दूरी कितनी है 0.04 मीटर, तो बीच की दूरी 2L बराबर 0.04 मीटर, क्यों 2L लिख लिया हम लोग, क्योंकि जो वैद्युत विधोर आगोल होता है उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2L होती है। तो ये हो गए निकाय का वैद्युत विधोर आगोल ज्ञात करना यानी पी ज्ञात करना, वैद्युत विधोर आगोल की मात्रक क्या होती है, बीमा क्या होती है, और वैद्युत विधोर आगोल क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से समझिएगा वैद्युत विधोर आगोल क्या होता है, आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, पी बराबर क्यू इंटू 2L। तो प्यारे बच्चों क्यू क्या होता है, आवेश का परिमाण होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत विधुरों में स्थित किसी भी एक आवेश और बीच की अल्प दूरी, किसी भी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत विधुर आघूर्ण कहते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। चलिए क्यू का मान कितना है प्यारे बच्चों, क्यू का मान है 2L का मान कितना है 0.04, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.08 कूलाम मीटर आएगा। तो आप देख सकते होंगे कि ये ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा होगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको और अच्छे से लिखेंगे। चलिए ये पॉइंट है यहाँ पर है 1, 2 अंक उधर लेके चले जाएंगे, 8×10^-2 कूलाम मीटर हो जाएगा। तो अब आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ने लगा प्यारे बच्चों, तो आप इस पर टिक लगा दिए। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, क्या है एक चालक है और उस पर कितने का आवेश है, देखिए जरा सा देख लीजिए आप लोग। चलिए 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक चालक है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है यानी Q बराबर 1 कूलाम, कितना है प्यारे बच्चों 1 कूलाम है। आगे क्या कर रहा है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये आपको बताना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, यानी n कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे समान अवस्था से यह ज्ञात करना। तो आप e का मान तो जान ही रहे हैं 1.6×10^-19, तो प्यारे बच्चों अभी आपने फार्मूला पढ़ा था n बराबर होता है Q/E, Q का मान कितना है 1 है, E का मान कितना है 1.6×10^-19। प्यारे बच्चों ये पॉइंट काटोगे तो ये ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/16 ये पूरा के पूरा चीज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये इसे कैंसिल करोगे तो 0.625×10^19 आ जाएंगे, 1.1 अंक उधर लेके चले जाओगे तो क्या आ जाएगा 6.25, 1 अंक उधर गए तो पावर 1 कम हो जाएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों उसमें अधिक होंगे, कितने 6.25×10^18, क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल हाँ दिखाई पड़ रहा, ये है 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उस पर। डियर स्टूडेंट अगला चलते हैं, तो समझ में तो आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि
आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं प्यारे बच्चों, आपके पास अब उतना समय नहीं बचा है कि हर एक क्वेश्चन को तो जो है आपको विधिवत अच्छे से समझाया जाए डियर स्टूडेंट। और प्यारे बच्चों, जो भी इस समय इंटर की क्लास पढ़ चुके हैं, पेपर देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उनको टॉप 10 क्लासेस की तरफ से अच्छी सी दुआएं दी जा रही हैं कि आप लोग अच्छा सा मेहनत कीजिए, अच्छा सा परफॉर्मेंस कीजिए प्यारे बच्चों। और क्लास पेपर देने के दौरान जो भी पेपर में आया रहे प्यारे बच्चों, जो भी जिस कोड का पेपर हो, चाहे जहां देते रहिएगा प्यारे बच्चों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए गए हैं, उस पे अपने उस पेपर को ज़रूर भेजिएगा डियर स्टूडेंट। तो उस पेपर को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और आप मैच करा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन पुटअप किए हो, कितने उसके जवाब पाए हो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम फिर से हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। आठवें नंबर पर, आठवां नंबर सवाल क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, आइए आठ नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 3.2 कूलम कितना है, क्यू बराबर 3.2 कूलम कितना है प्यारे बच्चों, 3.2 कूलम। आगे कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और e बराबर 1.6×10⁻¹⁹। तो डियर स्टूडेंट आप n पूछ रहा है, n बराबर आपने पढ़ चुका है क्यू बटे ई, क्यू का मान कितना है 3.2 और e का मान कितना है 1.6×10⁻¹⁹। तो डियर स्टूडेंट 16 × 16 = 32, तो 2 × ये ऊपर चलेगा तो 10⁻¹⁹। तो प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2×10⁻¹⁹, ये आप इस पे लगा दिए प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है प्यारे बच्चों, उनको जान लेते हैं। तो आइए इसको मूव करते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, इसे फाई या फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई ई बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर आप लोगों ने पढ़ा है ई इंटू डी ए, ई इंटू क्या होता है डी ए प्यारे बच्चों, आपने क्या पढ़ा। अब इसका डिफिनीशन कैसे होगा, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट, आप ई का मान यहाँ रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ई बराबर आगे एफ अपान क्यू नॉट इंटू डी ए रहने दीजिएगा। अब एफ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है, क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, डी ए का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, जी हाँ आपको ऑप्शन नंबर 3, तो आप ये यहाँ पर लगा दोगे डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत धारा स्थित है। प्यारे बच्चों एक बंद पृष्ठ ले लीजिएगा, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, n वैद्युत धारा स्थित है, जो वैद्युत धारा है एक वैद्युत धारा नहीं, दो वैद्युत धारा नहीं, अनंत वैद्युत धारा, सॉरी n वैद्युत धारा स्थित है, वैद्युत धाराओं की संख्या n है। आप जानते होंगे वैद्युत धारा क्या होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस क्यू होता है, ठीक प्यारे बच्चों, जिनके अल्प दूरी 12 होती है, इनकी संख्या कितनी n, ऐसे एक धारा नहीं n धारा स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से आपने पढ़ा था, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होती है, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों जरा सा यहां से समझिएगा, आपको पता है कि ये दोनों जो परिमाण इनके बराबर हैं और क्या है, अब विपरीत आवेश है, तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पे अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी इधर से प्यारे बच्चों प्लस क्यू से, या तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं क्यू से बाहर की तरफ निकलेंगी उतनी वैद्युत बल रेखाएं आप माइनस क्यू आवेश से अंदर की तरफ प्रवेश कर दी जाएंगी। यानी प्यारे बच्चों हम यहां ये कह सकते हैं कि जितनी विद्युत बल रेखाएं इधर से प्रवेश कर रही हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं इधर से निकल जा रही हैं, अर्थात वहां आवेश का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा।
गा। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्यू का मान क्या हो गया, जीरो। क्यों क्यू का मान जीरो हुआ, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं इधर से बाहर की तरफ निकल जा रही हैं, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये रहे इस प्रकार आपके जो 10 प्रश्न लगाए गए थे वो समाप्त हो जाते हैं, और अगले जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है या आपसे क्या कहना चाह रहा है। विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप में रखने पर पृष्ठ एस बराबर क्या कर रहा है, पृष्ठ एस, एस क्या है क्षेत्रफल है, 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स बाहर आएगा वो आपको यहां बताना है प्यारे बच्चों। तो सोचिए आपके पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, क्वेश्चन नंबर एक को सॉल्व करना है। फाई ई बराबर आप पढ़ा करते थे ई इंटू ए, ए स्थान वहां क्षेत्रफल होता था, यहां ई इंटू एस हो गया। प्यारे बच्चों आप देखिए यस में जो है एस को हम लोग जरा सा सुधार करते हैं, यहां एस को ऐसे लिखते हैं। ई क्या है, ई आप देख रहे हैं एस, एस इक्वल टू कितना है, जीरो आई है प्लस क्या है प्यारे बच्चों, 10j है, फिर क्या है प्लस 0k, यानी आई और जो के वाले हैं वो जीरो है, उनका परिमाण कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। अब ए ई सॉरी ई ई कितना है 2i प्लस कितना है प्यारे बच्चों 4j है और प्लस कितना है 7k है। तो प्यारे बच्चों आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई ई ई इंटू एस, जब e इंटू एस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई जीरो करोगे जीरो, फिर ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा 10 × 40 और जे क्रॉस जे का मान एक हो जाएगा, तो 40 और बोल्ट प्रति मीटर या जो भी है ऑप्शन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोल्ट मीटर, तो बोल्ट मीटर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो 40 आया है वो ऑप्शन नंबर एक से मैच कर रहा है, तो 40 बोल्ट मीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई 2i + 3j - 4k बोल्ट प्रति मीटर एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से इतना है। तो प्यारे बच्चों सेम टू सेम वही वाला सवाल है, केवल ए इक्वल टू 8j है, बाकी और जो दो घटक दिए हैं आई और के वाले वो शून्य है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 कहीं मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल यहाँ मिल रहे हैं, तो 24 पे हम लोग लगा देंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इन दोनों सवाल को आप जरूर अभ्यास कीजिएगा एक बार प्यारे बच्चों, ठीक। आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q, W क्या होता है जूल होता है, W कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है विद्युत विभव का, और कौन सी राशि होती है यह अदिश राशि होती है, तो जूल प्रति क्या हो गए कूलाम हो गए, और ये न्यूटन प्रति कूलाम किसके होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को, निम्न में से कौन से विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यानी आपको पहचानना है कि कौन से विद्युत विभव के मात्रक नहीं है। तो आप देखिए एक तो आप खुद निकाले हो जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम तो है, जूल प्रति कूलाम है ये तो कंफर्म है, फिर जूल प्रति कूलाम को ही बोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं बोल्ट कहते हैं, तो ये भी है। अब दो बचे हैं, दो में कंफर्म करना, तो सोचो ये किसका मात्रक होता है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी यही जो है विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब कैसे नहीं है वो आपको प्रूफ करके दिखाना है कैसे नहीं है। तो आप देखिए अब अगर ये हम लोग विद्युत विभव का मात्रक दिखा दें तो बचा हुआ विद्युत विभव का मात्रक नहीं होगा, तो आइए इसको दिखाते हैं। आपने पढ़ा V बराबर W/Q और W क्या है कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, F × D/Q0, F का मात्रक क्या है न्यूटन, D का मात्रक विस्थापन यानी मीटर, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम यानी ये है, पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो 4 है न्यूटन प्रति कूलाम वो विद्युत विभव का मात्रक नहीं है प्यारे बच्चों। और आजकल के जो पेपर हो रहे हैं उन पेपरों में इस प्रकार का सवाल जरूर पूछता है प्यारे बच्चों, 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको खुद चुनना पड़ेगा कौन है कौन नहीं है।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इतनी ऊर्जा होती है वो होती है 1.6×10⁻¹ जूल के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर, यानी आप एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के जब समीप लाएंगे तो समीप लाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, शून्य होती है, शून्य हो जाती है, नियत रहती है, नियत मतलब बदलती नहीं है। तो प्यारे बच्चों किन्हीं भी दो आवेशों के बीच की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो फार्मूला होता है 1/4πε₀Q1Q2R। तो प्यारे बच्चों ये जो ऊर्जा है वो तो इन तीनों चीजों को छोड़ दिया जाए एक हिसाब से, तो ये जो U है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, U प्रोपोर्शनल 1/r, यानी अगर दूरी घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो भाई साहब क्या करें, दोनों इलेक्ट्रॉनों को समीप ला रहे हैं तो बीच की दूरी घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों ये होता है, और इस फार्मूले पे क्वेश्चन कई पुटअप किए गए हैं तो आप इस पे अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगला क्या करा, निम्न में से कौन सा धारिता का मात्रक है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और आपको वहां समस्या होगी, आप जरूर जो है इसको अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सी धारिता का मात्रक है। तो आपने धारिता सी पढ़ा है, किसी भी चालक को किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है, जिसे हम लोग सी से व्यक्त करते हैं, सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव वी, वी क्या है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट। तो आप देख सकते होंगे कूलाम प्रति वोल्ट कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों। आगे आते हैं, एक गोली चालक की धारिता 1 μF है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि गोली चालक की जो धारिता होती है, गोली चालक की जो धारिता होती है, गोली चालक की धारिता, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे सी बराबर, धारिता सी बराबर 4πε₀r, और r यही क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो आपको r ज्ञात करना, तो इसको आप इधर कर दीजिए तो इधर आ जाएगा c/4πε₀r। प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε₀×c। अब आप देख सकते हैं c का मान कितना है, एक है, कितना है प्यारे बच्चों, एक है, और ये इसका मान कितना है, 9 है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, सी का मान 1 μF दिया है, कितना दिया है, 1 μF दिया है। तो प्यारे बच्चों 1 μF, सबसे पहले इसका मान लिखेंगे 9×10⁻¹, और 1 μF तो 1×10⁻¹ₙ₀ 9 में से 6 घटा देंगे 3, तो 9×10⁻³, तो ऐसा कहीं तो ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं 10³, यानी 9 किलोमीटर, क्योंकि 10³ क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है, तो 9 किलोमीटर आ गए, यानी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर आ जाएगी प्यारे बच्चों, 9 किलोमीटर के बराबर आ जाएगी। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा, 19 नंबर, कुछ परिपथ उरिपथ बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग खुद, ये देखिएगा परिपथ बनाया गया, वो परिपथ क्या है, निम्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 लगा लेते हैं, क्या कर रहा है, निम्न चित्र में, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए आप इसको मान सकते हैं, इसको क्या मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, C1, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3 मान लेंगे। अब आप देख सकते होंगे कि जो ये C1 और जो C2 है, यहां से हटाइए डॉट को उनको, ये जो C1 और जो C2 है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो C=C1+C2 होता है, C=C1+C2 होते हैं प्यारे बच्चों, और जो आपका ये C3 है वो श्रेणी क्रम में है, किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी C=C1+C2 हो जाएगा, C1 कितना है, 1 है, और C2 कितना है, 2 बराबर 3 μF। अब जो ये C आया है
जो सी आया है 3 माइक्रोफेरेड, ये जो सी है ये सी थ्री के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो लिख देंगे चूंकि सी तथा सी थ्री किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्यधारिता क्या होती है श्रेणी क्रम का, 1/c बराबर 1/c1, तो c1 के स्थान पे c है और c2 के स्थान पे c3 है। तो 1/c, c का मान कितना है 3 है प्यारे बच्चों, और c3 का मान कितना है 3 है, देख सकते हैं आप। तो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएंगे 2/3 1/c, तो सी ऊपर चला जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2। तो प्यारे बच्चों सी का मान कितना आ गया 3/2, तो सी का मान कितना आ गया देख सकते हैं आप 3/2 माइक्रोफेरेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2 आपके सही हो गया प्यारे बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्यधारिता होगी। तो प्यारे बच्चों आप यहां पहले फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट, जरा सा आप इस क्वेश्चन को ऊपर से मूव कर लेते हैं और वहां पर आपको बता देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट क्या है ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी। सबसे पहले नाम दीजिएगा इनका, नाम लिखिए, ये क्या है C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, 4 संधारित्र हैं आप देख सकते होंगे। तो सबसे पहले जो पहला ये भुजा है उसको क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे ये C1 हो गया ठीक। ये जो दूसरी भुजा है इनको ऐसे बना दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा ठीक, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। आगे ये जो है चौथी भुजा है C4, इसमें एक है तो आप एक लगा दीजिए C4 ठीक। अब इनको आप देखिए एक क्रम में जोड़ दीजिए, इनको एक क्रम में जोड़ देंगे, ये आपका जो परिपथ बना है ये परिपथ कुछ इस प्रकार तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप यहाँ ए नाम दे दीजिए, यहाँ क्या नाम दे दीजिए बी। अब आप अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे कि जो C2 और C3 है वो श्रेणी क्रम में है, बाकी और सब किस क्रम में है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। तो हम पहले C2 और C3 को सॉल्व करेंगे, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो तुल्यधारिता क्या होगी, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम का क्या होता है 1/c बराबर 1/c2 प्लस 1/c3। तो आप देखिए c2 का मान कितना, 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1/1 प्लस 1/1, तो हर बराबर है, एक एक क्या गए जोड़ दिए तो 2 आ गए। तो प्यारे बच्चों c का मान कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब आप देखिए ये सी का मान आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो C है और जो C4 है और जो C1 है वो तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि C4 और C1 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में संयोजन का फॉर्मूला होता है C- मान लेते हैं C1, तो C1 के स्थान पर C है, C2 के स्थान पर C4 है और इसके स्थान पे C1 है। तो प्यारे बच्चों आप C का मान देखिए रख दीजिए कितना है 2 माइक्रोफेरेड है, और C4 और C1 बाकी सब क्या है 1 है, तो 2, 1, 3, 1, 4 माइक्रोफेरेड, यानी जो आपके आंसर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 4 माइक्रोफेरेड। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ टिक लगा सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यूनिट जो फर्स्ट था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 95% चांसेस हैं क्वेश्चन ये सब पूछने के, वो प्यारे बच्चों हमने उनको सॉल्व करा दिया है। आप जरूर एक बार इस पूरे क्लास को अटेंड कीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपको इसका बोर्ड एग्जाम में जरूर लाभ होगा। और प्यारे बच्चों अगले यूनिट की क्लास हम लोग अगले वीडियो में अटेंड करेंगे, तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।